जयप्रदा उन एक्टरों में से एक है जो खूबसूरती और एक्टिंग की मिसाल। जयप्रदा का असली नाम ललिता रानी है। फिल्मों में आने के बाद ललिता रानी जयप्रदा हो। जयप्रदा का जन्म 1962 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से जयप्रदा का रुझान बचपन से ही फिल्मों की तरफ था। जयप्रदा की कैरियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म भूमि कोसम से हुई थी। इस फिल्म के लिए जयप्रदा को 10 रुपए मिले। इस फिल्म में इनका 3 मिनट का डांस था, उसको देखकर भारती बहुत प्रभावित हुई। डायरेक्टर ने उनको फिल्म करने की पेशकश की, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिल्म सरगम के जरिए इन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। इस फिल्म की सफलता के बाद जयप्रदा रातों रात दर्शकों के दिल में जगह बनाने के लिए कामयाब हो गई। ये फिल्म जबरदस्ती हिट हुई और जयप्रदा रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म के बाद जयप्रदा की कई फिल्म बनी, मगर वो कामयाबी हासिल नहीं कर, क्योंकि जयप्रदा को तब तक हिंदी बोलना नहीं आता था। फिर 3 साल के बाद जयप्रदा की एक और फिल्म बनी, तब तक उन्होंने हिंदी बोलना सीख लिया था। कामचोर फिल्म की सफलता के बाद वो एक बार फिर से अपनी छवि बनाने में कामयाब हुई। इस फिल्म की शूटिंग करने के दौरान उनके को स्टार ने उन्हें कसके पकड़ लिया था। खुद को दलील के चंगों से बचाने के लिए जयप्रदा ने उनको जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना से वहां पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए थे। जया एक के बाद एक फिल्में करती चली गईं और उन्होंने कामयाबी पे कामयाबी हासिल, उन्हें हर तरह का रोल किया। जयप्रदा की फिल्में आपको कैसी लगती है, कमेंट्स में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।